फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आई एम कमल मिश्रा, योर टीचर, योर गाइड, योर फ्रेंड। सो आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे, दैट इज रेशनल नंबर्स। तो बच्चों, रेशनल नंबर्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में नंबर सिस्टम होते क्या हैं। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको मैं नंबर्स का जितना भी डिवीजन है, जितने तरह के नंबर्स होते हैं, मैं समझाऊंगा कि नंबर्स कितने तरह से होते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। द नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। सो नंबर्स को एक्सप्रेस करने का तरीका इज नंबर सिस्टम। तो आपने सुना होगा बच्चों की जो नेचुरल नंबर्स सुना होगा, आपने होल नंबर सुना होगा, आपने इंटीजर सुने होंगे, फिर आपने रेशनल नंबर सुने होंगे, फिर आपने इरेशनल नंबर सुने होंगे। तो बच्चों, नेचुरल नंबर्स बताता हूं क्या होते हैं। आप लोग बोलते हो कि मेरे घर में एक टीवी है, मेरे घर में एक फ्रिज है। क्या कोई बोलता है कि मेरे घर में 0 टीवी है? नहीं ना। तो जो चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 अप टू जितना आपको काउंटिंग आती है इनफाइनाइट तक, तो इस तरह का जो नंबर्स का सेट होता है वो नेचुरल नंबर्स कहलाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर इस सेट में एक 0 हम ऐड कर दें, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, तो बच्चों इस सेट में 0 ऐड कर देने पे जो सेट फाइंड होता है वो होल नंबर होता है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। 0 का जो इन्वेंशन है, 0 की जो खोज है, भारत में हुई थी। ठीक है ना। तो 0 को ऐड करने पे जो सेट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? होल नंबर्स। अच्छा, तीसरा जो सेट होता है इंटीजर्स का होता है। तो इंटीजर्स का मतलब ये होता है, अगर इसमें माइनस के सेट्स ऐड हो जाएं, 1, फिर 0, फिर 1 अप टू इनफाइनाइट, मतलब कि देखो बच्चों, नेचुरल नंबर्स के सेट में हमने क्या करा, 0 ऐड करा तो होल नंबर बना। होल नंबर के सेट में मैंने माइनस के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया तो हमें इंटीजर्स मिल गया। इसका मतलब कि इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। नेगेटिव नंबर्स का सेट, पॉजिटिव नंबर्स का सेट और 0 को मिला के हमारा इंटीजर्स का सेट बनता है। बच्चों, अभी जो हमारे चैप्टर में हमें स्टडी करना है, रेशनल नंबर स्टडी करना है। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो पी अपान क्यू के फॉर्म में हो, समझो बच्चों, पी अपान क्यू के फॉर्म में हो लेकिन क्यू की वैल्यू 0 ना हो, क्यू की वैल्यू 0 ना हो और पी या क्यू एक इंटीजर हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अभी इरेशनल नंबर को बाद में समझेंगे, 2/3, 2/3 में क्या है, 2 इज अ इंटीजर, 3 इज इंटीजर, जहां पे 3 जो है 0 नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशनल नंबर्स हमेशा जो है पी अपान क्यू के फॉर्म में होते हैं, मींस 1/2, 3/4, 4/5। अच्छा बच्चों, को ये बोले कि -2/3, बेसिकली -2 इज इंटीजर, तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा इसको रिवर्स समझते हैं। सारे होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि पी अपान क्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए तो भी सही है, अगर मैं बोलूं पी अपान क्यू होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर क्यू 0 नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर
बट क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक डिफरेंस होता है। ये डेसिमल नंबर बच्चों होता है, सपोज करो ये नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग, -2 अंडर रूट वाले जो सारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं -2, -3, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपके सिलेबस में रेशनल नंबर पढ़ना है तो बस मैं रेशनल नंबर बता दिया कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। इसको आप ऐसे देखो बच्चों, अगर सेट की बात करें तो अगर कोई सेट है ऐसे नेचुरल नंबर्स का, तो इसमें केवल एक जीरो ऐड करने पे हमें होल नंबर मिलता है, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो होल नंबर मिल गया, तो होल नंबर का सेट ये है। ऐसे ही इसमें अगर माइनस और प्लस का वो कर दो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीजर्स हो जाएगा। ऐसे ही जो रेशनल नंबर होते हैं वो इन सबको कंटेन करते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे सर, तो देखो अगर हम कहें टू, टू क्या है, टू जो है एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि टू को हम टू अपन वन भी लिख सकते हैं, राइट। तो जब टू को हम टू अपन वन लिखते हैं, इसका मतलब अगर एक टू को आप पी बोलो, वन को क्यू बोलो, तो ये पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया, और यहां क्यू जो है जीरो नहीं है, तो इसका मतलब टू जो है एक इंटीजर भी है, एक होल नंबर भी है, एक नेचुरल नंबर भी है, एक रेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को जो कि या तो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, उसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वन का डिवाइड होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इस सेट में आप ये कह सकते हो रेशनल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स में क्या रिलेशन होता है, उनको कैसे हम समझ सकते हैं एक सेट के फॉर्म में। जैसे ये मैंने एक गोला बनाया, गोला इसको सेट, सेट और सबसेट बोलते हैं। ये जो है एन जो है इस बड़े वाले का सबसेट है, ए डब्ल्यू जो है इस आई का सबसेट है, आई जो है आर का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि एन जो है सबसे छोटा है, फिर डब्ल्यू है, फिर आई है, फिर आर जो है सबका सुपरसेट है। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बच्चों इसमें जो है एक्सरसाइज में जो है आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, तो मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा आपको। इट इज वेरी इजी टू लर्न। आप लोग किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे, चाहे डीपीएस में, चाहे रियान में, चाहे समरविल में, चाहे प्रज्ञान में, बट आपको ये तरीका इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप लोगों को कभी नहीं समझोगे कि ऐसे भी मैथमेटिक्स पढ़ा जा सकता है। पहली प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर्स की, लेट मी राइट इट, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, मैं एक साथ लिख देता हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव, थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। बच्चों ये तीन प्रॉपर्टीज आपके बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक में मेंशन है। आप लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक का चैप्टर 1 पढ़िएगा तो ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी। क्लोजर क्या होता है मैं इसको समझाता हूं। क्लोजर का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर किसी रेशनल नंबर पे, अब मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर जो है ये सबका सुपरसेट है, इंटीजर का भी, होल नंबर का भी या नेचुरल नंबर्स का भी। तो अगर दो रेशनल नंबर्स को आप प्लस करोगे ना बच्चों, तो ये रेशनल नंबर ही आएगा। सॉरी, तो क्लोजर का मतलब ये हो गया कि दोनों का सम, दो रेशनल नंबर्स का सम एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं R1 प्लस R2, तो इसको आप R2 प्लस R1 लिख सकते हो। मतलब कि
कोई भी ऑपरेशन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो अगर ये चीज ट्रू होती है तो इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स की शो करेगा। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई रेशनल नंबर है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखने पे अगर ये ट्रू होता है तो रेशनल नंबर्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे ट्रू हैं। अब देखो मैं समझाता हूं अच्छे से। अच्छा बच्चों बताओ, अगर कोई रेशनल नंबर 1/2 ले लो या 3/2 ले लो, ठीक है, मैं क्लोजर की बात कर रहा हूं यहां पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 4/2। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लस कैसे करते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये रेशनल नंबर जो है एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। ठीक है, मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर रेशनल नंबर्स। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें माइनस की, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, तो ये भी कोई रेशनल नंबर आएगा तो सब्ट्रैक्शन पे भी ट्रू होता है, मल्टीप्लाई करो तो भी ट्रू होगा, डिवाइड करो तो भी ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन अगर कम्यूटेटिव की बात करो बच्चों, तो अगर आप ये देखो कि R1 प्लस R2 करो, 1/2 माइनस 2/3 सेम नंबर को ले लो, 3/2, क्या ये इक्वल होगा 3/2 माइनस 1/2 के? मतलब कि R1 R2 के नंबर्स को रिवर्स कर दो और ये जो है माइनस रहने दो, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब आप माइनस करके देख लेना, इसका मतलब ये होता है कि जो रेशनल नंबर्स हैं माइनस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई के लिए कर लेना, ऐसे ही आप डिवाइड के लिए देख लेना कि क्या फुलफिल करते हैं, तो आप पाओगे मल्टीप्लाई के लिए तो फुलफिल करेगा बट डिवाइड के लिए फुलफिल करता है कि नहीं करता है, आप लोग चेक करके मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि whether it is fulfilling the division for commutative or not। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिमिलरली आप देखोगे कि प्लस के लिए तो ट्रू है, प्लस के लिए तो ट्रू है, माइनस के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि सपोज करो आप 3 रेशनल नंबर्स को प्लस करोगे तो चाहे इसको इन दोनों को प्लस करो पहले, चाहे इन दोनों को प्लस करो पहले और फिर इसको ऐड करो या इसमें इसको ऐड करो, प्लस तो हमेशा आंसर सेम आएगा, लेकिन जब माइनस करोगे बच्चों ना, तो माइनस जो है एसोसिएटिविटी को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन को देख लेना, ऐसे ही आप डिवीजन को देख लेना, आप लोग डेफिनेटली मेरी बात को समझ गए होंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इस तरह से हमने तीनों प्रॉपर्टीज को देखा बच्चों। इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं एनसीईआरटी के, जो पेज नंबर 14 पे आपके मेंशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखो, ट्राई करना अपने बुक से, एनसीईआरटी की बुक से उसको सॉल्व करने का। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, -2/3, बेसिकली मेरे पास बुक नहीं है तो मैं अपने लैपटॉप पे उस क्वेश्चन को देख के हम नोट डाउन कर रहा हूं, तो आप लोग अपने बुक्स ओपन करके देख लेना कि ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो अब इसको देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन है इन दो नंबर्स का, ये मल्टीप्लीकेशन इन दो नंबर्स का, बेसिकली इन दोनों के सेट का मल्टीप्लाई अगर आप देखते हो ना बच्चों, तो ये 3/5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 3/5 दोनों में कॉमन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर ये जो कॉमन है तो उसको निकाल लो, 3/5 को बाहर निकाल लो, यहां से बाहर निकालो तो यहां पे क्या बचा, -2/3। ठीक है, और यहां से निकालो तो -1/6, और ये जो तीसरा सेट है प्लस का, 5/2 रहने दिया आप लोगों ने, ध्यान समझो बच्चों, ये दो सेट है, इसमें 3/5 है
यहाँ 3/5 है, ये है यहाँ पे है, हमने कॉमन लिया दोनों से, दोनों सेट से, तो यहाँ बचा, ये निकल गया बाहर, तो यहाँ -2/3 ही बचा ना, और ये 3/5 यहाँ से बाहर निकाला, तो माइनस का जो यहाँ पे रह गया ना वो -1/6 हो गया, तो -1/6 हो गया। अब इसको अंदर को आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आप इसका एलसीएम जो 6 आ जाएगा और ऊपर -4 -1 आ जाएगा, और ये 3/5 बाहर रहेगा +5/2। मैं इसको फिर यहां लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 -5/6 +5/2। इसको सॉल्व करो बच्चों, लास्ट में 4/2 आ जाएगा, बहुत सिंपल है, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्व कर सकते हो वैसे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वाले, उसमें एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, बेसिकली थ्योरी जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं समझा रहा हूं। अगर किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ो, प्लस करो, और उन दोनों का सम 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, 2 जो है, 2 एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब कि इसमें क्या प्लस करो कि 0 हो जाए। तो इसमें अगर आप -2 को प्लस कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स जो है -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं 1 सॉल्व करूं कि 2/8 एक नंबर दिया है, तो इसमें क्या प्लस करोगे कि 0 हो जाएगा, तो -2/8 सिंपल सी बात है, उसी नंबर को माइनस कर दो, अब माइनस है तो उसी नंबर को प्लस कर दो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि -x इक्वल्स टू जो होता है x होता है, ये आपने 6-7 में पढ़ा होगा कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाता है, तो इसको प्लस एक्स लिख सकते हो या सिंपली एक्स लिख सकते हो। तो ये आप लोग कर लेना, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कोई रेशनल नंबर है तो उसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो ताकि 1 आ जाए। देखो बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्या उसमें ऐड करो कि 0 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये होता है बच्चों कि उसमें क्या मल्टीप्लाई करो सो दैट कि उसका आंसर 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, इसका मतलब इसमें 2/1 का मल्टीप्लाई करोगे। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं बच्चों तो उस रेशनल नंबर को उलट देते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, और जो सिंबल होता है माइनस या प्लस का वही सिंबल रहने देते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 का ए अगर आप लोग देखो तो पहला है -13, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/13, क्योंकि 13 में 1 जो है यहां पे हिडन होता है बच्चों, तो 1 ऊपर आ जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और वाइस वर्सा, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लाई करना है इसको, बहुत आसान है। 6 जो है, आई थिंक कि वीडियो लंबा हो रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो आप लोग इतना सॉल्व करना क्वेश्चन ऑफ 4 तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।